नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के बहाने भारत को अपनी उंगली पर नचाने के इरादे पाल रहे अमेरिका की भारत ने सारी दादागिरी निकाल दी है। भारत की मोदी सरकार ने जो तीर छोड़ा है उससे सिर्फ वाशिंगटन ही सदमे में नहीं है बल्कि चीन और यूरोपीय देशों के होश भी उड़े हुए हैं। पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक नहीं भुला पाया है, लेकिन अब भारत ने पश्चिमी और यूरोपीय देशों पर ऐसी स्ट्राइक कर दी है जिसका डंका आज विश्व भर में गूंज रहा है। यह स्ट्राइक अमेरिका की उस दादागिरी पर हुई है जिसे वह डॉलर के रूप में दुनिया को दबाने के लिए करता है। अमेरिका भारत पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वह रूस का साथ छोड़ दे। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमरीकी दबाव के बाद भी भारत ने अभी तक रूसी हमले की निंदा नहीं की है। यही नहीं, भारत रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा है। इसी व्यापार में तेल भी शामिल है जिसे रूस कम दाम में भारत को मुहैया करा रहा है। भारत और रूस के तेल व्यापार से अमेरिका के दशकों से चले आ रहे प्रभुत्व पर खतरा पैदा हो गया है। दरअसल भारत और रूस ने अपने तेल की सारी डील डॉलर की बजाय तीसरी मुद्रा में की है। इससे डॉलर के दबदबे को गहरा धक्का लगा है। यही नहीं, चीन जो अपनी मुद्रा रेनमिनबी के विस्तार में लगा हुआ था, भारत ने उसके सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि चीन की मुद्रा युआन और रेनमिनबी में अंतर है। रेनमिनबी उर्फ आरएमबी चीन की मुद्रा का आधिकारिक नाम है। आरएमबी की प्रमुख इकाई को चीनी युआन यानी CNY कहा जाता है। आरएमबी दुनिया में अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड के बाद पांचवी सबसे बड़ी मुद्रा है। परंतु अब भारत का रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। दुनिया भर में तेल के बदले में डॉलर में भुगतान करना दशकों से चली आ रही प्रथा बन गया था, लेकिन भारत ने इस मिथक को तोड़कर अमेरिका को खुलेआम चुनौती दी है। IMF ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी है कि भारत के इस कदम से डॉलर का दबदबा कमजोर हो रहा है। भारत छोटे छोटे ट्रेंडिंग ब्लॉक बनाकर अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने में लगा है। खास बात यह है कि भारत अभी तक रूस के साथ रुपए में भुगतान नहीं कर रहा है, बल्कि अब उसने 8 देशों के साथ एक ऐसा ब्लॉक बना लिया है जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। भारत ने कुछ ही महीनों में 8 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने का करार किया है। रूस, इजराइल, जर्मनी, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर जैसे देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जानकर हैरानी होगी कि लगभग 100 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तक भारत में 49 वोस्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं जो दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए जरूरी है। इस प्रयास में सबसे पहले रूस के दो सबसे बड़े बैंक सुबेर बैंक और VTB बैंक ने रुपए में ट्रेड करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोला था। 6 महीने में इनकी संख्या 50 को छूने वाली है। आपको बता दें कि वोस्ट्रो खाता बैंक द्वारा नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। विदेश का कोई भी बैंक वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए भारत में बैंक से संपर्क कर सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक को RBI से मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद दोनों पक्ष करेंसी का एक्सचेंज रेट, मार्केट रेट आदि जरूरी चीजें तय कर लेते हैं और व्यापार शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस पर डॉलर के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता है। अब जैसे किसी भारतीय आयातक को इजराइल से कारोबार करना है तो पहले उसे डॉलर में भुगतान करना होता था, लेकिन अब वह उसे रुपए में भी भुगतान कर सकता है। उसकी भुगतान राशि इस वोस्ट्रो खाते में जमा हो जाती है। इसी तरह जब किसी भारतीय निर्यातक को माल और सेवाओं के लिए रुपए में भुगतान करना होता है तो इस वोस्ट्रो खाते से राशि काट ली जाती है और उसे निर्यातक के नियमित खाते में जमा कर दिया जाता है। दरअसल कोरोना काल में डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर के कई देशों के लिए आयात महंगा हो रहा है। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। रुपए में कारोबार शुरू करने के पीछे उद्देश्य यही है कि इससे डॉलर पर निर्भरता में कमी आएगी। रुपए में व्यापार बढ़ने के साथ ही भारतीय मुद्रा के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं देनी पड़ती है। इससे भारत रुपए की डिमांड में इजाफा होना भी तय है।
आपको यह भी बता दे कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका डॉलर के मूल्य को सोने के मुकाबले तय करता है और अन्य देश बदले में अपनी मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले तय करते हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलने की ओर है और भारत रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की रेस में शामिल हो गया है। इसकी वजह यह भी है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से दुनिया का भरोसा अब डॉलर पर डगमगाया हुआ है। देशों को डर है कि अमेरिका के खिलाफ जाने पर उन्हें भी व्यापार में भारी दिक्कतें हो सकती है। दुनिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे गए लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। साल 2000 में यह आंकड़ा 70% था, जबकि यूरो 18-20% आंकड़े पर पहुंच गया है। वहीं चीन की मुद्रा आरएमबी अभी 2.76% आंकड़े पर पहुंची है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें भारतीय रुपए की एंट्री भी होने जा रही है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से मुकाबला करने में भारत की राह को और आसान कर देगा। यानी कह सकते हैं कि अब अमेरिकी दादागिरी के दिन लदने वाले हैं। भारत ने विश्व गुरु बनने की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, अब उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं रेत की दीवार की तरह ढह रही है। यह 21वीं सदी का वो हिंदुस्तान है जो धमक और गर्व के साथ दुनिया के पटल पर छाने को बेताब है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।